गुड मॉर्निंग विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में है आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का वीडियो आपने देखा जिसमें सेकंड बुक का दूसरा लेसन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भारत में जनसंख्या संरचना वो कंप्लीट हो गया था। कल के वीडियो के साथ ही आप पे जो असाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप देखिएगा लेसन नंबर 11वां 12वां और सेकंड बुक का पहला जो लेसन है उसके नोट्स मैंने पीडीएफ फाइल बना करके भेज दिए हैं, 27 पेज हैं। वो आप अपने फिर जो नोटबुक है उसमें कंप्लीट करें। कल का जो वीडियो आपने देखा उसके साथ ही असाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप चेक कीजिएगा, 27 पेज की एक पीडीएफ फाइल है जिसमें क्रम संख्या मैंने लिख दी है, यानी जो 11 लेसन आपका स्टार्ट हो रहा है वहां पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से 1 से लेकर 27 क्रम पेज में दे रखे हैं, वो नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं। 10 लेसन के नोट्स आपके पास पहले आ गए थे, 3 लेसन के नोट्स आपको कल मिल गए, ये 3 लेसन के नोट्स भी आप कंप्लीट करें। अब केवल जो कल लेसन आपका कंप्लीट हुआ था 14वां लेसन सेकंड बुक का दूसरा उसके नोट्स अपने बाकी हैं, बाकी सारे नोट्स कंप्लीट करवा दिए, कंप्लीट आ गए। जिस बच्चे को नोट्स नहीं मिले हैं वो डाउट में लिख करके भेज सकता है, मेरे पास नोट्स नहीं आए, एक बार प्रयास करूंगा फिर से भेज देगा, बाकी असाइनमेंट भी दे रखे हैं, एक दूसरे बच्चे से एडजस्ट करके लेकर के आप वो नोट्स कंप्लीट करें। और यदि 10 लेसन के नोट्स आपके पास हैं 3 के नहीं है तो आप मेरे को सूचित करें, 3 के आ गए पहले के नहीं है तो आप सूचित करें, बाकी मेरी तरफ से 13 लेसन के जो नोट्स हैं वो आपको भेज दिए गए हैं, आप वो अपनी फेयर कॉपी में करें। आज अपना सेकंड बुक का तीसरा लेसन यानी 15वां लेसन संसाधन वर्गीकरण संरक्षण व पोषणीय विकास ये देखते हैं। सबसे पहले इसके सामान्य परिचय के बारे में देखिए, सबसे पहले संसाधन है क्या कहें किसे, देखिए वे साधन जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी जिन साधनों से मानवीय आवश्यकताएं पूरी होती हैं उन्हें संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी साधन जब तक मानव की आवश्यकता को पूरा नहीं करता तब तक वो साधन संसाधन नहीं है, वो केवल एक वस्तु है, और जब उस वस्तु से मानव की कोई ना कोई आवश्यकता पूरी हो रही है तो वो वस्तु किसका रूप ले लेती है, संसाधन का। तो परिभाषा, वे साधन जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे मुख्यतः संसाधन कहा जाता है। देखिए मुख्यतः मानव जीवन का जो अस्तित्व है, मानव जीवन का जो विकास है वह केवल निर्भर है किस पर, संसाधनों पर। कई बार बोर्ड में परिभाषा दे देता है किसके अनुसार, जिम्मरमैन एक संसाधन को बोल देता है, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है जो कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता हो। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन की एक तो संसाधन की सामान्य परिभाषा में यदि प्रश्न आता है संसाधन किसे कहते हैं तो परिभाषा क्या लिखोगे, वे साधन जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उन्हें संसाधन कहा जाता है। एक प्रश्न ये भाई जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन किसे कहते हैं तो किसे कहेंगे, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन क्या है, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है जो कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं अथवा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता हो उसे संसाधन कहा जाता है।
देखिए मुख्यतः कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में कब आती है उसे संसाधन कब कहें, जब उस वस्तु का उपयोग संभव हो। देखिए कोई भी वस्तु है उसे संसाधन की श्रेणी में कब रखा जाता है, जब उसमें ये बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें? पहली बात वस्तु का उपयोग संभव हो, दूसरा वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान या प्रिय कहें अधिक मूल्यवान या फिर उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। जब कोई वस्तु परिवर्तित होकर के अधिक मूल्यवान हो जाए या उस वस्तु को उपयोगी वस्तु के रूप में काम में लिया जा सके या जिस वस्तु में निश्चित उद्देश्य पूरा करने की क्षमता हो वो भी संसाधन है, और पोषणीय विकास के लिए आवश्यक पूंजी वो भी संसाधन है। प्रश्न ये है किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में कब रखा जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी दशाएं हैं। तो संसाधन की श्रेणी में रखी जाने वाली वस्तुओं के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना अति आवश्यक है। या तो वह उस वस्तु का उपयोग संभव हो तब वो संसाधन की श्रेणी में आती है, या उस वस्तु को परिवर्तित करके अधिक मूल्यवान बना दिया जाए, या उपयोगी वस्तु के रूप में उस वस्तु का उपयोग कर दिया जाए परिवर्तन के बाद में तो भी वो संसाधन हो सकती है, या जिस वस्तु से कोई न कोई निश्चित उद्देश्य की पूर्ति होती हो तो भी वो संसाधन हो सकता है। एक संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। ये जो चार बातें हैं, ये चार बातें किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में रखी जाने वाली दशाएं हैं। इसलिए इन दशाओं के आधार पर देखिए प्रत्येक जैविक और अजैविक घटक क्या है, संसाधन है। देखिए कोई सा भी जैविक घटक हो या अजैविक घटक हो, निश्चित रूप से प्रत्येक जैविक और अजैविक घटक में इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है तो वो संसाधन होता है। संसाधन अपने आप नहीं बनता, मानव द्वारा संसाधन का निर्माण किया जाता है। मानव उस वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है, बदलता है, यानी संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। स्वतः संसाधन नहीं होता, मानव को उस वस्तु को अपने उपयोग में लानी पड़ती है तब वो संसाधन बनता है। इसलिए संसाधनों का जनक हमेशा कौन है? मानव है। किसी भी वस्तु को उपयोग योग्य बनाना, मिट्टी है, हो सकता है वो मेरे लिए संसाधन नहीं है लेकिन एक शिल्पकार के लिए वो संसाधन है। जल है, हो सकता है मेरे लिए संसाधन नहीं है लेकिन मत्स्य पालन करने वाले के लिए वो संसाधन है। यानी ये मानव के उपयोग पर निर्भर करता है। मानव किस वस्तु को संसाधन की श्रेणी में रख रहा है ये मानव पर निर्भर है। इसलिए संसाधन का जनक क्या किसे कहा जाता है? मानव को। यह संसाधन का सामान्य परिचय। ठीक प्रकार समझ में आ रहा होगा शायद सभी को। आगे देखते हैं, पढ़े संसाधन वर्गीकरण के बारे में, जिसमें सबसे पहले
उत्पाद के आधार पर संसाधन के बारे में देखते हैं। उत्पाद के आधार पर देखो संसाधन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। देखिए संसाधन का वर्गीकरण, वर्गीकरण में सबसे पहले आता है कौन सा, उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से, जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। देखो जैविक संसाधन क्या है, जैविक संसाधन, जैविक जो शब्द है, इस जैविक शब्द का मतलब होता है तीन वस्तुएं। जैविक का मतलब क्या होता है, तीन तीन चीजें, जीव जंतु, वनस्पति और मानव। जैविक शब्द क्या होंगे आप, जैविक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, किसके लिए यूज होता है, जीव जंतु, वनस्पति और मानव। यानी जैविक संसाधन क्या है, जीव जंतु, वनस्पति, मानव आदि घटकों को किसमें सम्मिलित किया है, जैविक संसाधन में। देखिए मुख्यतः सभी जैविक संसाधन, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो मानव हो, ये वंश वृद्धि के कारण से नव्यकरणीय है, असमाप्य है, समाप्त होने वाला नहीं है। वह जीव जंतुओं की वंश दर वंश वृद्धि होती रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगा, असमाप्य हो गया। मानव वंश वृद्धि होती रहेगी, समाप्त नहीं होगा, असमाप्य हो गया। वनस्पति, तो कुल मिलाकर जो जैविक संसाधन है उसे नव्यकरणीय है या असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण बात है, मानव और जीव जंतु को चल जैविक संसाधन भी कहते हैं और वनस्पति को अचल जैविक संसाधन कहा जाता है। कोई दिक्कत, फिर से देख लो एक बार, जैव उत्पाद के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, उत्पाद के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से, एक जैविक संसाधन, एक अजैविक संसाधन। जैविक क्या होता है, जीव जंतु, वनस्पति और मानव, इन्हें जैविक कहा जाता है। तो जैविक संसाधन, जैविक संसाधन से अभिप्राय जीव जंतु, वनस्पति व मानव आदि घटकों को जैविक संसाधन में सम्मिलित किया है। वंश वृद्धि के कारण ये जो जैविक संसाधन है नव्यकरणीय है, मतलब असमाप्य है। इसमें भी जीव जंतु और मानव, इनको क्या कहा जाता है, चल जैविक संसाधन। और जो वनस्पति है, इस वनस्पति को कहा जाता है क्या, अचल जैविक संसाधन। तो ये तो हो गया आपका जैविक संसाधन। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन किसे कहें। देखिए मुख्यतः प्रत्येक प्रकार के जड़ व निर्जीव कारकों से संबंधित संसाधन अजैविक संसाधन क्या है। भाई इसमें मानव नहीं है, जीव जंतु नहीं है, वनस्पति नहीं है, मतलब क्या बचा, निर्जीव और जड़। तो किसे कहेंगे, प्रत्येक प्रकार के जड़ व निर्जीव कारकों से संबंधित जो संसाधन है उस संसाधन को कहा जाता है अजैविक संसाधन। भाई जैसे मिट्टी है, खनिज है, सौर ऊर्जा है, बोलो भाई किसमें सम्मिलित करें, जैविक में या अजैविक में, अजैविक में। कारण जड़ है, निर्जीव है, समझ गए होंगे जैविक और अजैविक। तो ये तो हो गया अपने उत्पाद के आधार पर संसाधन है। आ रहे समझ में, एक होता है किस आधार पर, उद्देश्य के आधार पर संसाधन को काम में लिया जाना, वो होता है उद्देश्य। ये तीन प्रकार के होते हैं, ऊर्जा संसाधन,
तो उद्देश्य के आधार पर अपन बात करें, उद्देश्य का मतलब होता है काम में लेना। ये होते हैं तीन प्रकार के उद्देश्य के आधार पर। तीन प्रकार कौन कौन से? ऊर्जा संसाधन, परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन। उद्देश्य दो प्रकार हो गए, पहला उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो, जैविक और अजैविक, जिनके बारे में बता दिया गया। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तीन प्रकार। तीन प्रकार कौन कौन से? ऊर्जा संसाधन, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। होता क्या है देखो, जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिन संसाधनों के उपयोग से शक्ति प्राप्त होती है, वे ऊर्जा संसाधन होते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है या नहीं होती? किसमें रखेंगे? ऊर्जा संसाधन में। समझ में आ गया होगा। तो ऊर्जा संसाधन क्या? ऊर्जा संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जिनके उपयोग से ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है, वे कहलाएंगे कौन से? ऊर्जा संसाधन, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अब ये जो ऊर्जा संसाधन है, इसके मैंने आपको ये दो प्रकार बता दिए। एक तो ऊर्जा संसाधन के, एक तो होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। तीन प्रकार हो गए ना ऊर्जा संसाधन, एक ही में से तो इसमें। लेकिन ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार कौन से हो गए? एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। जिन संसाधनों का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, उन्हें परंपरागत संसाधन कहते हैं, जो कि समाप्य है। कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है। कोयले का, पेट्रोलियम का उपयोग प्राचीन काल से चला रहे ना, समाप्त होने वाले हैं। इनके भंडारण पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। जैसे जैसे इनको खर्च करेंगे, वैसे वैसे इनकी मात्रा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो समाप्त हुई है नहीं हुई? ऊर्जा संसाधन का दूसरा रूप आता है कौन सा? गैर परंपरागत। जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में किया जाने लगा है, वे गैर परंपरागत। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगी क्या? नहीं होगी ना। तो असमाप्त, कोई दिक्कत? फिर से देखो, उत्पाद के आधार दो बता दिए, उद्देश्य के आधार पर तीन प्रकार। वैसे एक प्रकार है उद्देश्य के आधार पर, कितना प्रकार है? एक। कौन सा? ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार हैं? दो। दो कौन कौन से? परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा संसाधन कहें क्या, किसे कहें? वे संसाधन जिनके उपयोग से ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है। वे संसाधन जिनके उपयोग से ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, परमाणु ऊर्जा है, इन सबसे शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इनको ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार? दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत किसे कहोगे? वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग प्राचीन काल से होता रहा है और जो समाप्य है, समाप्त होने वाले हैं, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, ये सारे जो संसाधन है, इनका उपयोग प्राचीन काल से होता रहा है, हमारे धरातल पर इनके भंडार पाए जाते हैं। जैसे जैसे कोयला, पेट्रोलियम का उपयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे भंडार में ये क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? समाप्त संसाधन। और ऊर्जा संसाधन का दूसरा प्रकार आता है कौन सा? गैर परंपरागत।
वे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में चला रहा है, जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, वो कहलाते हैं गैर परंपरागत। मुख्यतः ये ऐसे वाक्य होते हैं, भाई सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, कभी नष्ट होगी क्या? जब तक सूर्य है जब तक हम हैं, पृथ्वी है तब तक सूर्य है, हमेशा सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, कभी समाप्त होगी क्या? नहीं होगी ना। तो इनको क्या कहेंगे? ऐसा वाक्य। कोई दिक्कत? तो एक तो हो गया उत्पाद के आधार पर, एक हो गया उद्देश्य के आधार पर। कोई दिक्कत? एक फिर तीसरा उपयोग की सतत्ता के आधार पर, निरंतर उपयोग के आधार पर जो संसाधन है उनकी बात करें अपन, तो इस आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, अनव्यकरणीय, नव्यकरणीय और समाप्य। तीन प्रकार इधर देखिए कौन कौन से, अनव्यकरणीय, अनव्यकरणीय, नव्यकरणीय और चक्रीय। किस आधार पर? उपयोग की सततता के आधार। फिर से देखो संसाधन वर्गीकरण मैंने बताया, उत्पाद के आधार पर कितने प्रकार? दो, जैविक और अजैविक। उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार? एक, ऊर्जा। फिर ऊर्जा के कितने प्रकार? दो, परंपरागत गैर परंपरागत। तीसरा या उपयोग की सततता के आधार पर कितने प्रकार? तीन, अनव्यकरणीय, नव्यकरणीय और चक्रीय। देखो अनव्यकरणीय जिसे समाप्य संसाधन कहा जा सकता है, यानी जिनको नया नहीं किया जा सकता, कहेंगे किसे ध्यान दीजिए, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वे संसाधन अनव्यकरणीय या समाप्त संसाधन कहलाते हैं। अर्थात समाप्त होने के कारण इन संसाधनों को समाप्त संसाधन कहा गया है और इन संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता भी अधिक है। भाई कोयला है, पेट्रोलियम है, आपने 5-4 किलो कोयले हैं या जो भी कोयला आप यूज करते हैं, कोयला एक बार हमने जला लिया, काम में ले लिया, अब जले हुए कोयले को काम में लेने के बाद पुनः काम में लेना है, समझो भैया, जो जला दिया वो तो क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ में आ गया होगा? देखो फिर से, एक तो अनव्यकरणीय है, वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग में होने के बाद में जिनको बार बार या पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता वो अनव्यकरणीय है, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। नव्यकरणीय है इससे उल्टा, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जो समाप्त होने वाला नहीं है वो अनव्यकरणीय है, वो कहलाएगा नव्यकरणीय। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एक बार काम में ले ली, काम में लेते जाओ, कोई दिक्कत। एक चक्रीय संसाधन, जिन संसाधनों का बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिसे जल संसाधन है, परिशोधन करके बार बार उपयोग किए जाओ, कौन सा संसाधन हो गया? चक्रीय संसाधन। फिर से देख लो, उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन से? अनव्यकरणीय संसाधन, नव्यकरणीय संसाधन और चक्रीय संसाधन। अनव्यकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वे संसाधन अनव्यकरणीय संसाधन कहलाएंगे। समाप्त होने के कारण इनको समाप्य संसाधन भी कहा जाता है, इनके संरक्षण की आवश्यकता है। अनव्यकरणीय संसाधन के उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा आता है नव्यकरणीय, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, वे नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तीसरा आता है चक्रीय संसाधन, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद या जिन संसाधनों का बार बार उपयोग किया जा सकता है, वे संसाधन हो गए कौन से? चक्रीय संसाधन।
कोई दिक्कत। एक आता है फिर नंबर चार, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन कौन से स्वामित्व के आधार पर? व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। किस आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन क्या? जब किसी संसाधन पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है, जब किसी संसाधन पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान है, भूमि है, ठीक है, या मानसिक क्षमता है, अरे समझ में, इसके अतिरिक्त उत्तम स्वास्थ्य है, इस पर एक व्यक्ति का या एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, तो ये व्यक्तिगत। राष्ट्रीय है, जिन संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का पूरे देश का अधिकार होता है वे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे वन है, भारत में वन किसके अकेले के हैं? सैन्य शक्ति है भारत की, किसके अकेले की है? भारत की जनसंख्या है, भारत की खनिज है, इन पर पूरे भारत का अधिकार है, तो ये कौन से संसाधन हो गए? राष्ट्रीय संसाधन। और विश्व संसाधन या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जिन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जो भी भौतिक संसाधन है उन सारे भौतिक संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में सम्मिलित किया है। कोई दिक्कत तो फिर से देख लो एक बार। संसाधन वर्गीकरण यहां पर कंप्लीट। संसाधन वर्गीकरण, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? चार प्रकार के। चार प्रकार कौन कौन से? उत्पाद के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। कोई दिक्कत? उत्पाद के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से? जैविक और अजैविक। उद्देश्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? उद्देश्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए? एक प्रकार के, ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा के कितने प्रकार? दो। कौन कौन से? परंपरागत और गैर परंपरागत। नंबर तीन, उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन कौन से? अनवीकरणीय, नवीकरणीय और चक्रीय। नंबर चार, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन कौन से? व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। कोई दिक्कत? ये आज का बिंदु अपना कंप्लीट। कल अपन देखेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में। एक बार फिर से याद दिला दो आपको, कल जो वीडियो था उसके साथ में एक असाइनमेंट जो आपके ऑप्शन दे रखा है, उस असाइनमेंट में मैंने लेसन नंबर 11, 12 और 13, यानी 13वां लेसन सेकंड बुक का जो पहला लेसन है, इस प्रकार 11, 12 और 13वें लेसन के नोट्स मैंने भेज दिए हैं सभी बच्चे। 10 लेसन के नोट्स सबके कंप्लीट होंगे, 10 लेसन के बाद में 11वां, 12वां, 13वां जो लेसन है उसके नोट्स भी कंप्लीट कर लें, ये आपके पास आ चुके हैं। जहां भी कोई समस्या हो तो आप डाउट में लिख सकते हैं, बाकी आप एक दूसरे बच्चे से संपर्क करके पूछ सकते हैं। 100% पीडीएफ फाइल बना करके मैंने 27 पेज कल आपको भेज दिए थे, वो नोट्स आप आराम से बिल्कुल धीरे धीरे अच्छी हैंडराइटिंग में अपने होमवर्क की कॉपी में कंप्लीट कर लें। अब तक आपके पास लेसन 15वां चल रहा है और 13 लेसन तक के नोट्स आपको मिल गए हैं, फर्स्ट बुक के कंप्लीट और सेकंड बुक के पहले लेसन का नोट्स आपको मिल गया है। कोई दिक्कत? धन्यवाद। शेष कर।